नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है आसान खेती, आपकी खेती को आसान करने के नए नए तरीके बताते रहना हमारा काम है। तो आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किसान भाइयों, हम एक नई चीज़ आपके पास लेकर आए हैं जिसमें कि आपकी उठा पटक काफ़ी कम होने वाली है। मतलब कि जो आप खेतों में फर्टिलाइजर उठा के ले जाते हैं बोरी भर भर के, उसका वजन आपको नहीं उठाना है। साथ ही आपको कीमत में भी फायदे मिलेंगे। उसी के साथ में जिन रासायनिक खादों से हमारी ज़मीनों को तकलीफ हो रही है, हमारी ज़मीनें बंजर होती जा रही है, उसमें भी सुधार होगा और उसी के साथ में हमको परिणाम और अच्छे मिलेंगे और उसका उपयोग भी काफ़ी आसान होने वाला है। तो कौन सी तकनीक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सही समय पर मिलती रहें। तो किसान भाइयों, आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारी ज़मीन के जो तीन मुख्य खाद होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है फास्फोरस। तो फास्फोरस में भी जो हम सबसे ज़्यादा हमारे खेतों में उपयोग करते हैं DAP। तो आज DAP की समस्याएं जैसे बढ़ती जा रही है, एक तो रेट बढ़ते जा रहा है, अगर DAP की मात्रा अधिक होती है खेतों में तो ज़मीन में फास्फोरस की मात्रा बढ़ने से ज़मीन कड़क होती है, ज़मीन बंजर होती जाती है। तो आज हमारे सामने एक बहुत ही विश्वास वाली कंपनी जो सालों से हमारे बीच में हमको हमारी फसलों को पोषण देती आ रही है, आज उस कंपनी ने हमारे लिए एक नई तकनीक ईजाद की है जो कि हमारी 50 किलो के बैग के DAP को रिप्लेस करके सिर्फ 1 लीटर के अंदर लेके आई है। तो उसके क्या परिणाम है, उसमें क्या क्या कंटेंट है, उसके कैसा उपयोग करना है और उसके क्या फ़ायदे मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी हम कंपनी के अधिकारी से ही जानेंगे। तो हम डायरेक्ट कंपनी के अधिकारी से ही जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो किसान भाइयों को आपका परिचय दे दीजिए। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार, मेरा नाम बाग सिंह चौहान है और मैं कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी की ओर से हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये कंपनी काफ़ी पुरानी, 117 साल पुरानी कंपनी है और ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो साउथ की कंपनी है। इसका जो मेन मुख्यालय है वो चेन्नई में है जी। तो सर, जैसे कि अभी हम बात करने वाले हैं, जो हमारे हाथ में बोतल देख रहे हैं किसान भाइयों आप, NPK, अभी तक हम 50 किलो का बैग लेके हमारे खेतों तक आते थे और उसका उपयोग हम परंपरागत विधि से उपयोग करते आ रहे थे, लेकिन आज हमारे हाथ में आपकी कंपनी ने 1 लीटर का बोतल दिया है NPK। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये बताइए कि क्यों हम 50 किलो का बैग उपयोग ना करते हुए 1 लीटर की बोतल का उपयोग करें। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा सभी किसान मित्रों को, जो हम 50 किलो की बोरी जो लेके आते हैं और हम 1 एकड़ में उसका जो उपयोग करते हैं, तो उससे आपको एक तो फसल को वो मात्र उसका जो कंजप्शन है वो 20 से 25% का है ना, बाकी का जो उसका रॉ मटेरियल होता है वो कहीं ना कहीं जमीन में फिक्स हो जाता है या फिर पड़ा रहता है, जो फसल उसको नहीं ले पाती है। ठीक है, तो उसका एक तो कंजप्शन बढ़ाने के लिए हम ग्रोमोर NPK लेके आए हैं। इसका स्प्रे के माध्यम से जो है इसको डायरेक्टली जो है हम दे सकते हैं, जिससे पौधा फास्फोरस जो है, नाइट्रोजन फास्फोरस जो है, पूरा पूरा 100% उससे ले सकता है है ना। दूसरा अच्छा, दूसरा ये भी सर उसका होता है कि हमने भी सुना कि अगर हम DAP का उपयोग करते हैं तो वो 20 से 25 दिनों तक उसका रिजल्ट मिलता है, धीरे धीरे मिलने लगता है, जल्दी नहीं मिल पाता है। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। DAP जो है वो स्लो रिज है, पौधे को जो है करीबन ये मान के चलो 20 से 25 दिन लेने में लग जाता है। और अगर पौधे के जड़ों के नजदीक अगर फास्फोरस या DAP डला हुआ है तो ही पौधा उसको ले पाएगा, अन्यथा वो फास्फोरस वहीं का वहीं फिक्स हो जाता है, वहीं पड़ा रहेगा सुस्तावस्था। हाँ, सुस्तावस्था में पड़ा रहता है। और हम जो है 50 किलो की जो DAP का उपयोग करते हैं उससे एक तो क्या है कि मिट्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कई सालों से हम जो रासायनिक खाद का जो उपयोग कर रहे हैं उससे हमारी मिट्टी जो है पूरी जो है पत्थर के समान बनती जा रही है। तो एक तो उस चीज को रोकने के लिए और उस मिट्टी को सुरक्षित करने के लिए हमने जो है ये ग्रोमोर NPK को लॉन्च किया। अच्छा, ये तो सर था कि हम 50 किलो का बैग उपयोग क्यों नहीं करें, लेकिन अब बारी आती है कि हम हमारा NPK क्यों उपयोग करें, उसका कैसे उपयोग करें और परिणाम क्या मिलेंगे हमें। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में जो है, पहले किसान जो है गोबर के खाद से चालू हुआ था, गोबर खाद करीबन 3 से 5 टन पर एकड़ का उपयोग करता था। उसके बाद में फिर हम रासायनिक खाद 50 किलो की बोरी पे आए, उसके बाद में फिर हम 25 किलो की बोरी पे आए, फिर उसके बाद 1 किलो वाला खाद आया, फिर आज हम जो है एक नया स्वर्णिम अध्याय कोरोमंडल लिख रही है ग्रोमोर NPK को लेके। ठीक है, अब इससे फायदे ये है
कि एक तो क्या है, आपको 50 किलो की बोरी उठाना नहीं पड़ेगी जी, आप एक छोटे से हाथ में जो है आप लेके आ जाओगे एक बॉटल को, और इसको स्प्रे के माध्यम से जो है पर एकड़ आप 500 ml आप इसको स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। आप इसको जो है दो स्प्रे आपको करना है, 500 ml पर एकड़ का पहला स्प्रे करना है 20 से 25 दिन की अवस्था पे, सेकंड स्प्रे जो है 10 से 12 दिन के बाद में सेकंड स्प्रे करना है 500 ml पर एकड़। पहला स्प्रे जब हम करेंगे उस समय हमारी फसल वेजिटेटिव ग्रोथ में रहेगी जी, तो वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करेगा 100%, और सेकंड टाइम पे जब हम फ्लावरिंग स्टेज पर उपयोग करेंगे जी तो फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को। देखो आप जैसा जानते हैं, मैं किसान मित्रों को बताना चाहूंगा कि नाइट्रोजन होता है वो फसल को वृद्धि देता है जी, फास्फोरस होता है वो जड़ों का विकास करता जी, है। तो प्लांट में ये दोनों चीज जाने से क्या होता है कि एनर्जी आती है। तो हम जब 20 से 25 दिन की अवस्था में अगर इसका स्प्रे करेंगे तो प्लांट में जो है आपका रूट का डेवलपमेंट भी होगा और उसमें विकास अच्छा होगा। फास्फोरस जो पौधे के अंदर लकड़ी बनती है इसे भी मजबूत करता है ना 100%, क्योंकि जब पौधे में एनर्जी आएगी तो पूरा पूरा प्लांट जो है एक मजबूत बनेगा। अच्छा सर, इसमें किसान भाइयों को ये बताइए कि जैसे 2:5 में इसका रेशो दिया हुआ है कंपनी ने, देखो जैसे डाई अमोनियम फास्फेट है जी, उसी आधार पे हमने इसको नैनो टेक्नोलॉजी में पार्टिकल साइज छोटा करके बनाया हुआ है। अच्छा। जैसे आप डीएपी 50 किलो का बोरी लाते हो उसमें भी जो आप अनुपात डीएपी का देखोगे डाई अमोनियम फास्फेट का तो 1:25 है, उसी आधार पे हमने जो है ये ग्रोमो नैनो टेक्नोलॉजी को मतलब सेम टेक्नोलॉजी है। मतलब बाजार में एक और कंपनी का आता है नैनो डीएपी, तो उसमें और इसमें क्या अंतर होने चाहिए, क्या अंतर हमारी है? जो टेक्नोलॉजी है वो सीधे सीधे जो है डाई अमोनियम फास्फेट जो डीएपी बनी है उसी आधार पे ये जो है बना हुआ है। अच्छा। इसमें टेक्नोलॉजी केवल यही है कि ये नैनो पार्टिकल साइज में बना है, इसका जो पार्टिकल साइज जो है वो 100 ml साइज का है, जो कम से कम छोटा जैसे हम अगर मान ले हमारा बाल का जो साइज है उससे भी लाख गुना कम साइज इसके कण है जो है, इसका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा बदलाव करता है, तो जिससे प्लांट में एक प्रकार से बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। तो इसका उपयोग जैसे कि आपने बताया 500 ml पर एकड़ हमको स्प्रे में ही करना है जी। तो इसका उपयोग अगर कोई किसान भाई जड़ों के माध्यम से करना चाहे तो आपके कोई अभी प्रैक्टिकल अनुभव है या नहीं है? अभी हमारा ऐसा कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, अभी कंपनी कहती है कि इसको स्प्रे के माध्यम से ही दिया जाए क्योंकि स्प्रे के माध्यम से ही बनाया गया है और ये स्प्रे के माध्यम से जाएगा तो काफी अच्छे रिजल्ट। तो क्या स्प्रे में हमको परिणाम मिल पाएंगे जो जड़ों के माध्यम से हम 50 किलो का बेग देते हैं? 100%, आज अब हम जिस फील्ड में खड़े हैं ये हमारे किसान मित्र हैं, इन्होंने आज 8 दिन पहले यहाँ पे जो है ग्रोमो नैनो डीएपी का जो है स्प्रे किया है। तो आज हमारे बीच में किसान भी उपलब्ध है जिन्होंने इस नैनो डीएपी का अपने खेत में उपयोग किया है। तो जो देखिए किसान भाइयों, क्या होता है कि अगर मेरा पेट दर्द हो रहा है तो मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, महसूस नहीं करा सकता कि कैसे दर्द हो रहा है, लेकिन ये जैसे कि किसान हमारे बीच में उपलब्ध है, हम किसान एक किसान पर भरोसा कर सकते हैं। तो इन्होंने अगर इनके खेत में डीएपी का उपयोग किया है नैनो डीएपी का, तो इनको क्या परिणाम मिले हम इनकी भाषा में ही जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो साहब किसान भाइयों को आपका परिचय दे दीजिए। मैं प्रवीण चौहान, ग्राम बोरगांव, गोगांव तहसील, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। आप देख सकते हो मैंने 8 रोज पहले स्प्रे किया था नैनो डीएपी का, इसमें फुटाव कुछ भी नहीं था। अच्छा। ना फ्लावरिंग थी, 8 रोज पहले किया था, आज इसमें फुटाव भी और फ्लावरिंग भी, और माल जबरदस्त सेट हो रहा है, ये आप देख सकते हो। जो नया फुटाव आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये नया फुटाव है इसका, नई शाखाएं हैं ये, आपको एकदम नया फुटाव दिख रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ से ये नई शाखा निकली है और ये नया फुटाव लेके आया। इससे पहले अभी तक हम जितने भी प्लॉट विजिट कर रहे हैं वहाँ पर प्लॉट सारे सुस्त अवस्था में पड़े हैं, ना तो उसमें फ्लावरिंग है ना ही कोई नया फुटाव है, लेकिन यहाँ पर भैया का ये कहना है कि नैनो डीएपी का इन्होंने 8 रोज पहले उपयोग किया था, आज दिनांक 12/10/2023 है, इससे पहले इन्होंने 8 दिन पहले उपयोग किया था और आज इनको जबरदस्त परिणाम देखने को मिले हैं। तो नैनो डीएपी का उपयोग करके आपको कैसा लग रहा है कि आगे भी आप में उपयोग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, किसान भाइयों ने इसका उपयोग करना चाहिए या नहीं? किसान भाइयों ने करना चाहिए इसका उपयोग, अच्छे रिजल्ट इसके। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, सर ने जैसे आपको बताया 50 किलो का बैग अगर हम डीएपी का उपयोग करते हैं तो हमें कितनी असुविधाएं होती है, कितनी तकलीफें होती हैं, और उसके उस समय में जब था तब अच्छे परिणाम थे, लेकिन आज हमारे पास में अगर कोई उसका ऑप्शन है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने से हमको फायदे भी मिलेंगे, हमारा खर्च भी बचेगा। अच्छा, खर्च की बात आई है सर, तो किसान भाइयों को बताइए कि इसमें 1 एकड़ का खर्च कितना होने वाला है?
देखिए डीएपी का तो सारे किसान भाई जानते हैं कि वो एक बोरी डीएपी कितने में उनको मिलती है जी। अगर मैं ग्रोमोर नेने डीएपी की बात करूं तो किसान मित्र को जो है 600 रुपये लीटर जो है ये कॉस्टिंग पड़ रही है। अब 600 रुपये लीटर की कॉस्टिंग पड़ रही है तो किसान को जो है एक लीटर को दो बार में स्प्रे करना है, 500 ml दो बार स्प्रे करेंगे तो 1 एकड़ का खर्चा किसान मित्र को जो है 600 रुपये का जाएगा। दो बार अगर उपयोग करेंगे तब 600 रुपये का जाएगा जी। और दो बार स्प्रे लगभग कंपलसरी है, yes. है ना, ये बोल सकते हैं हम। एक बार वेजिटेटिव ग्रोथ में हमको इसका स्प्रे करना है, नेक्स्ट स्प्रे हमें फ्लावरिंग स्टेज में करना है, फ्लावरिंग स्टेज के पहले जी। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई किसान भाई नैनो डीएपी खरीदना चाहते हैं तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे देंगे, आप वहां से भी इसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं और आपकी फसलों पर इसका फायदा ले सकते हैं। आज के लिए इतने किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने किसान भाइयों को परिणाम बताए नैनो डीएपी के। तो थैंक यू साहब।